करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में आज हम क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब सब जितने भी मेन मेन टॉपिक है उनको सबको एक साथ कवर कर रहा है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी लाइट जो चैनल है यूट्यूब पर, जिससे आपको और भी इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया होता है बहुत सारे, और बहुत सारे क्या है, मीडियम, जैसे इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन और वीडियो। ये क्या है, कई सारे यहाँ पर स्रोत हैं जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी हार्डवेयर पहुँचा सकते हैं। तो ये इतने सारे मीडियम्स हैं, इनसे बनता है हमारा पूरा एक मल्टी मीडिया। तो बेसिक आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट, डायनामिक वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे हमारे वीडियो हो गया, एनिमेशन और ऑडियो, ये स्थिर नहीं रहते। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर चीज़ें, टेक्स्ट स्थिर रहता है और फोटो स्थिर रहती है। मल्टीमीडिया हार्डवेयर ऐसे हार्डवेयर जिनका यूज़ हम करते हैं मल्टीमीडिया के लिए, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, पेपर वगैरह हमारा मल्टीमीडिया का एक स्रोत है जिसमें टेक्स्ट वगैरह लिखा रहता है। तो प्रिंट आउट्स निकालना प्रिंटर से, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। तो इस तरह से भाई फ़ोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये कई सारे हार्डवेयर्स हैं। तो ये मल्टीमीडिया के हार्डवेयर्स होते हैं। ऐसे ही मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा इन सभी जो हमारे पास मीडिया है इन पे काम किया जाता है, जैसे वीडियो को बनाना, फिल्म बनाना, गाने गाना, गाने को रिकॉर्ड करना, फ़ोटो खींचना, ये सभी क्या है हमारे इन सब पे जिन पे वर्क करते हैं। तो जैसे फोटोशॉप वगैरह, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कोरल ड्रॉ, मीडिया प्लेयर वगैरह, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हिस्ट्री दी गई मल्टीमीडिया की, वीडियो को रोककर आप ये सभी एलिमेंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि ये हिस्ट्री भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ये हमारा मल्टीमीडिया स्टार्ट हुआ, सबसे पहला गेम कौन सा था। तो ये हिस्ट्री को आप नोट कर लेना। इसके बाद मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ कहाँ, एडवर्टाइजमेंट में होता है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई में, वीडियो वगैरह दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे आप ही वीडियो देखकर पढ़ रहे हो। मास मीडिया जैसे पत्रिकाएं वगैरह छपना, ठीक है, ये सब गेम वगैरह बनाए जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब ऐप वगैरह, जैसे पहले एक टेस्ट करके देखा जाता है कि किस तरह से उसका लेआउट या डिज़ाइनिंग बनता है। उसके बाद टेक्स्ट हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है सिंपल सा, जो भी हम लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट हमारा यूज़ वर्ड में, सेंटेंस, पैराग्राफ, इन सब जगह पे हमारा टेक्स्ट का यूज़ होता है, उपयोग किया जाता है। और टेक्स्ट हमारा बनता है कैसे, ए टू जेड, 0 से 9, पंक्चुएशन और साइन के द्वारा हम अपने टेक्स्ट को बनाते हैं। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कोई शेप में या कोई आकार में कोई आकृति है उसको दिखाना, वो किसी तरीके से वो फॉन्ट है हमारा। तो फॉन्ट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एरियल, कॉलीग्राफिक, टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट फैमिली हमारी जैसे सेरिफ, सेंस सेरिफ, कर्सिव, फैंटेसी, मोनोस्पेस। फॉन्ट स्टाइल हो गई हमारी बोल्ड, इटैलिक मीन्स होते तिरछे से, है ना, अंडरलाइन मीन्स लाइन नीचे की जाती है, नैरो मीन्स पतले से। फॉन्ट साइज होती है मतलब छोटे फॉन्ट लिखना और बड़े फॉन्ट, मतलब जो टेक्स्ट हमारा होता है वो छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। फॉन्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए हमें चार लाइनें ड्रॉ करनी पड़ती है, या चार लाइनें जो बेसिक होता है। तो बीच में हमारी हाइट होती है एक्स हाइट जिसको बोलते हैं, और नीचे वाली लाइन को बेस लाइन बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन को एक्स लाइन कहते हैं, और जो इस लाइन के ऊपर जाता है उसको हम असेंडर कहते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पर ऊपर आती है उसको असेंडर, और जो भी चीज़ ये नीचे रहती है इसको हम बोलते हैं डिसेंडर। जैसे जी का इतना एरिया बाहर निकला हुआ है, पी का इतना एरिया बाहर निकला हुआ है, इसको कहते हैं टोपोग्राफी, मतलब फॉन्ट को बनाने के लिए आता है टोपोग्राफी। कुछ फाइल दी गई हैं, टेक्स्ट की जो फाइल होती है एक्सटेंशन होता है, जैसे MP3 एक गाने का एक्सटेंशन, मतलब हम समझ सकते हैं जब भी हम .mp3 देखेंगे कि एक गाना है, जैसे MP3 एक गाने का एक्सटेंशन, मतलब हम समझ सकते हैं जब भी हम .mp3 देखेंगे कि एक गाना है, वैसे ही हमारी टेक्स्ट जो फाइल होती है उनमें हम .doc देखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये टेक्स्ट का कोई एक्सटेंशन है। RTF एक टेक्स्ट का एक्सटेंशन है,
txt एक टेक्स्ट का एक्सटेंशन है। तो इन अगर जब भी हमें कोई फाइल के बाद में या फाइल नेम के बाद कोई ये चीज़ दिखती है तो हम समझ जाएंगे कि किस तरह की फाइल्स है और किस सॉफ्टवेयर में ये खुलेगी। बेसलाइन अभी मैंने आपको बता दिया। लीडिंग हमारा होता है कि जो डिस्टेंस होती है दो लाइंस के बीच में वो लीडिंग होती है हमारा। और कर्निंग होता है जो एडजस्टमेंट दो कैरेक्टर मतलब जैसे ए और डी के बीच में अगर कोई जगह है उसको मेंटेन करना उसको सही तरीके से दिखाना वो हमारा कर्निंग कहलाता है। बाकी असेंडर डिसेंडर हम बता चुके हैं, एक्साइड हमने आपको बता दिया है। एडिटिंग क्या होती है, किसी भी कोई भी हम अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हम है ना जिससे हमारा क्या कर सकते हैं कि मीनिंग वगैरह जैसे सेंटेंस का अगर अर्थ चेंज हो जाए या फिर उसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन आ जाए वो कहलाता है हमारा एडिटिंग। लेकिन फॉर्मेटिंग में क्या होता है, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें हम अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे, कलर्स फॉन्ट की अलग अलग साइज यूज़ करेंगे, मतलब हम उसको देखने में बहुत सुंदर बनाते हैं वो कहलाता है हमारा फॉर्मेटिंग। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा होना। जैसे आप इंटरनेट चलाते हो तो उसमें आपको ब्लू लिंक्स दिखती है मतलब नीले कलर की आपको लिंक्स वगैरह दिखती हैं टैक्स वगैरह, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको दूसरे पेज में आपको सेंड कर देता है मतलब भेज देता है। प्लेन टैक्स एंड रिच टैक्स क्या है, प्लेन मतलब सिंपल सा जिसमें एक ही कलर के फॉन्ट मतलब एक ही कलर यूज़ किया गया हो, एक ही फॉन्ट हो सभी और साइज भी उनकी बराबर होती है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। रिच टैक्स, रिच मीन्स होता है अमीर, रिच मीन्स होता है ज़्यादा, तो जिसमें ज़्यादा चीज़ें हम कर सकें वो हमारा रिच टैक्स कहलाता है। चीज़ें हम कर सकें वो हमारा रिच टैक्स कहलाता है। जैसे कलर क्लिक किया हमने, फॉन्ट को तिरछा किया, बोल्ड किया, लाइन खींच दी, कलरफुल बना दिया, तो ये सब हमारा किस में आता है, रिच टैक्स में आता है। OLE क्या था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड का मतलब होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट या एक सॉफ्टवेयर के फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल में जब जोड़ते हैं वो कहलाता है हमारा लिंक। भी होता है जोड़ना, तो उस ऑब्जेक्ट को लिंक करना या एम्बेडिंग करना मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ना। हम चाहते हैं कि हमारे MS वर्ड में MS Excel की फाइल आ जाए, हम चाहते हैं Excel की फाइल में MS वर्ड की फाइल आ जाए, इस तरह से हम अलग अलग सॉफ्टवेयर की जो फाइल है उनको एक दूसरे से जब जोड़ते हैं वो हमारा OLE कहलाता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। तो अलग अलग तरीके होते हैं फाइल्स को जोड़ने के, तो ये चीज़ नोट कर लेना आप। इसका पिक्चर्स क्या होती है, पिक्चर्स हम जानते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स है, इमेजेस फोटो वगैरह सब लोग जानते होंगे, तो उनको बनाना ठीक है। ये पिक्चर्स हमारी 2D 3D होती है ये भी आप लोगों को पता है। पिक्चर्स में दो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर। का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इमेज वगैरह, और रास्टर में क्या होता है पिक्सल बेस्ड होती है हमारी जिसमें पिक्सल्स दिखाई देते हैं, और वेक्टर में क्या होता है लाइन बेस्ड होती है, तो इसमें हमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी मिलती है जिनका यूज़ हम वेब पेजेस में करते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया, कोरल पेंटर, कोरल ड्रॉ, क्वार्क एक्सप्रेस, ये हमारा न्यूज़पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये फ़ोटो और हमारे लोगो वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एक्सटेंशन दी गई हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि ये हमारी फ़ोटो की फ़ोटो वाली फाइल है, जैसे PNG, SVG, GIF, इनके फुल फॉर्म यहाँ लिखे हुए हैं, सभी के फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। इमेज कैप्चर, इमेज मतलब लेना, जैसे फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से वो इमेज कैप्चर कहलाता है। तो इमेज कैप्चर क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मतलब जब इमेज कैप्चर करते हैं तो हमारी इमेज क्या होती है, कलरफुल आती है, ठीक है, RGB, CMYK, और जब हम फोटो खींचते हैं तो उसमें कोई ना कोई MB की या साइज़ बनती है, 1 MB, 2 MB, तो साइज़ दी गई। तो ये चीज़ हमें थोड़ा देखना चाहिए जब फ़ोटो वगैरह निकालते हैं, तो फ़ोटो कैप्चरिंग कहलाता है कि हमें कितना रेजोल्यूशन लेना है या क्या क्या लेना है, तो ये सब फैक्टर करती हैं चीज़ें, तो इनको नोट कर लेना। जैसे मैंने आपको रास्टर वेक्टर बताया था, वेक्टर वाली आप इमेज देखो कितना अच्छा लग रही है देखने में, और बिटमैप या रास्टर इमेज देखो ये आप कैसे ब्लर टाइप की और कटिंग कटिंग टाइप की दिख रही है, ये डिफरेंस होता है। आप जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, इस पत्ती को जूम करके दिखाया गया है और कंप्यूटर उसको 0-1 के फॉर्मेट बनाता है, तो अभी क्या है कि एक जगह पे एक ही बिट यूज़ की गई है, और जब हम इसमें कई सारी बिट यूज़ करेंगे एक ही पिक्सल पर तो वो हमें और कलर्स वगैरह मिल पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ ब्लैक एंड वाइट है तो ज़्यादा साइज़ नहीं है, लेकिन जब आप लोग क्या करोगे 8 बिट यूज़ करोगे एक पिक्सल की, क्या होगी भर जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी,
इस वजह से साइज भी क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, वो आप लोग नोट कर लेना। जैसे 16 बिट हो गया, साउंड आप लोगों को मैंने बताया था, साउंड को चलने के लिए कोई ना कोई साधन नहीं है, कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ जब हम लोग बजाते हैं या वाइब्रेट करते हैं तो उससे हवा में कुछ एक कंपन होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक जाता है और ब्रेन उसको समझता है, तब हमें पता चलता है कि किस चीज़ की आवाज़ है। और मल्टीमीडिया का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो इसको नोट कर लेना। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड मींस होता है आयाम, फ्रिक्वेंसी होती है आवृत्ति, वाइब्रेशन होता है कंपन, वेवलेंथ तरंग वेव, और अनुदैव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तारत होता है पिचिंग। इसके कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कूल एडिट प्रो, गोल्ड वेव, ठीक है, और इस तरह की सॉफ्टवेयर के कुछ नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा। साउंड को नापने की इकाई होती है डीवी, डेसिबल जिसको कहते हैं, और साउंड हमेशा वेव फॉर्म में, मतलब गोल गोल इस तरह से चलती है। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रख लेना। ये देखिए, इस तरह से हमारे साउंड वेव चलती हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि पिचिंग क्या होती है, तारत वगैरह, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, तो ये हमारा पिचिंग इस पे डिपेंड करता है। और एम्पलीट्यूड हमारा कैसा है, एम्पलीट्यूड में कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है जो आवाज़ है हमारी कितना तेज़ है और कितनी धीमी आवाज़ है। और पिचिंग से हमें ये पता चला था कि पिचिंग से आवाज़ पतली होती है और मोटी होती है, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी आवाज़ भारी है, हमारी आवाज़ क्या है, मतलब बहुत स्लो है, धीमे, कुछ लोग धीमे बोलते हैं और कुछ लोग तेज बोलते हैं। जिसका हाई एम्पलीट्यूड होगा वो तेज बोलेंगे। हमें पता होना चाहिए इंफ्रासोनिक वेव होती है जो हम सुन नहीं पाते हैं, ऑडियोल वेव होती है जो हम सुन पाते हैं, उनकी होती है 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है उसकी फ्रिक्वेंसी। ये साउंड, ये वेव्स चल रही है, तो इसको नोट कर लेना, डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें लिखा है एनालॉग वीडियो क्या होगी, हमारी एनालॉग वीडियो में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, और उसको डिजिटल बनाने के लिए ना, जैसे हम ब्लैक एंड इसमें दिखाया गया है कि एनालॉग में क्या होता, पुराना एक मेथड है, ठीक है, इसमें जैसे कंपोजिशन एनालॉग हैज़ बीन ऑल द वीडियो कंपोनेंट्स, ब्राइटनेस, कलर, सिंक्रोनस, देन कंबाइन इनटू द वन सिग्नल वन डिलीवरी, मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वगैरह नहीं मिलती थी हमें, ठीक है, लो क्लियरिटी रहती थी, है ना, और कॉस्ट भी ज़्यादा रहती थी, डिफ़िकल्ट होता था इसको मैनेज करना। लेकिन डिजिटल में क्या हो गया, डिजिटल जब हमने डिजिटल वीडियो यूज़ किया इससे बहुत सारे फ़ायदे हो गए हमें, अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड होने लगी, और हम उस वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स का यूज़ करने लगे। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मतलब इन्फिनिट, इसमें कोई भी चीज़ ना फैक्टर करती थी, हर एक चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता था हमें, मतलब नहीं कलर सही नहीं आएंगे तो उसको हम सही भी नहीं कर पाएंगे, मतलब इसमें क्या है कि हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग एनालॉग और डिजिटल वीडियो और एनालॉग ऑडियो वीडियो के बारे में थोड़ा सा देख लेना। और आप जैसे हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, जैसे एनालॉग सिग्नल कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, दूरी पर डिपेंड करते हैं, साइज पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही हमारे अदर फैक्टर्स भी एनालॉग और डिजिटल डिपेंड करते हैं। साउंड इफेक्ट मीन्स उसके प्रभाव, इको इफेक्ट आपने देखा होगा, जब कई बार हमारी आवाज़ रिपीट होकर हम ही को सुनाई देती है। बेस कहते हैं, बेस दम दम टाइप की एक आवाज़ आती है ना। एम्पलीफाई, लो और हाई, हाई मीन्स तेज होगा, तेज बोलेगा, लो मीन्स आवाज़ स्लो हो जाएगी। नॉइस मीन्स होता है जो आपने देखा होगा ना, भरभराहट की आवाज़ आती है, जैसे पहले कभी टीवी जब दूरदर्शन हम लोग देखते थे ना, टीवी चली जाती थी तो मच्छर टाइप करने लगते थे, उस तरह की नॉइसी एक आवाज़ आती है। रिवर्स में कहते हैं आवाज़ उल्टी आने लगती है। और डिले मीन्स आवाज़ क्या होती है, आवाज़ जैसे हमने एक बार बोला तो वही एक सेकंड दो सेकंड बाद वही आवाज़ फिर से रिपीट होगी, वो कहलाता है डिले। अब साउंड चैनल कौन कौन से होते हैं, मेनली होता हमारा मोनो, स्टूडियो, प्रोस्पेक्टिव, सराउंडेड साउंड और सराउंडेड साउंड। ये हमारे क्या अभी लेटेस्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना चारों तरफ मतलब बूफर लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि 4D साउंड, 3D साउंड, तो मोनो में ऐसे ये होता था कि एक ही सिंगल स्टूडियो में हम
दो सिग्नल्स पे या दो चीज़ों पे काम करने लगे। जैसे हम आजकल एयरफोन यूज़ करते हैं लेफ्ट और राइट, तो कभी कभी हमने देखा होगा लेफ्ट में अलग आवाज़ सुनाई देती है और लाइट राइट में अलग। तो ये समझ लेना कि हमारे वो स्टूडियो है। प्रोस्पेक्टिव में दोनों यूज़ होते हैं, मोनो स्टूडियो। सराउंडेड में मीन्स पाँच, मतलब पाँच साउंड हमें मिल जाते हैं, चारों तरफ हम लगा सकते हैं छोटे छोटे, जिससे हमें अलग अलग आवाज़ का अनुभव मिलेगा। और 7.1 में भी, 7.1 में क्या होता है, सात प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसमें सात ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रहते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वो साउंड लगाए जाते हैं, उससे हमें एक रियल चीज़ का प्रभाव पता चलता है। जैसे आपको मोनो की पहचान होगी, जैसे हम पिन वगैरह लगाते थे, मोनो में ये सिंगल टाइप का स्ट्रिप रहता है और स्टूडियो में डबल, जिसमें हम 3D साउंड्स वगैरह भी सुन सकते हैं। MIDI हम लोग जानते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। हम लोग चाहें तो अपने जो इंस्ट्रूमेंट है, गिटार पियानो वगैरह, कंपनी या बजाए जा सकते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो MIDI हमारा कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है। वीडियो क्या होती है, वीडियो हमारी क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि वीडियो एकदम चलती हुई नज़र आती है, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि वीडियो चलती हुई नज़र इसलिए आती है क्योंकि उसमें हम 1 सेकेंड के अंदर 20 या 20 से 25 फ्रेम को एक साथ देख लेते हैं। तो हमें लगता है कोई चीज़ मोशन में या कोई चीज़ चल रही है, लेकिन वो चीज़ रियल में नहीं चलती, वो फ्रेम होते हैं जो आपको 1 सेकेंड में दिखाए जाते हैं, कि आपको लगता है, अब आपको महसूस होता है कि हाँ ये कोई चीज़ चल रही है। तो ये डेफिनेशन से आप यहाँ से नोट कर लेना। वैसे वीडियो की जो फॉर्मेट, मतलब वीडियो को पहचानने का तरीका कि ये वीडियो होगी, जैसे .MP3 तो MP3 होता है, मतलब ऑडियो सॉन्ग होते हैं, वैसे ही ये जैसे AVI हो गया, 3GP हो गया, MP4 हो गया, MKV, MOV, AVI, तो इस तरह से ये कुछ वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो आप लोग याद कर लेना। ये है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब जिसमें हम वीडियो या मूवी या फिल्म वगैरह बना सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर। अब उसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं, डिजॉल्व मीन्स घुलना, मतलब एकदम से मिल जाना, वाइब्स या स्पिन। जब आप फोटोशॉप, सॉरी आई मीन जब आप पावर पॉइंट यूज़ करोगे तो उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिलते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स मिलते हैं, साउंड इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों से आपको जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगा। तो वैसे साउंड इफेक्ट्स यूज़ कर लेना, स्पेशल इफेक्ट्स, जूम वगैरह, रोटेटिंग, डिस्टॉर्टिंग, मतलब इमेज को बड़ी करके दिखाना, मतलब वीडियो को बड़ी करना, घुमाना, मोड़ना, इस तरह से अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे जो सिग्नल होते हैं, जो इंडिया या अदर कंट्रीज में जो सिग्नल्स आते हैं, उन सिग्नल्स में चार चार तीन प्रकार के होते हैं, जो मेनली NTSC, CCAM और PAL। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग के तरीके हैं, मतलब सेटेलाइट के द्वारा हमें जो टीवी में जो चलती हुई चीज़ें टीवी दिखाई जाती है, वो सिग्नल्स के थ्रू आती है, उन सिग्नल्स में क्या फ्रेम रेट यूज़ किया गया है, तो वो चीज़ बताने के लिए अलग अलग जगह पे या अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे CCAM कलर टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है, इसका पहले सबसे पहले यूज़ फ्रांस में किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, CCAM का यूज़ फ्रांस में किया गया था, कब किया था, 1956 में किया गया था, और फ्रांस के हेनरी डे ने इसका यूज़ किया था। तो ये फ्रेम्स मैंने कुछ शॉर्ट में लिखती हैं, जैसे 30 फ्रेम NTSC यूज़ करता है, 25 CCAM, PAL भी 25 ही यूज़ करता है। वैसे ही अब NTSC क्या है, NTSC हमारा फाइल, ये हमारा क्या है, एक वीडियो सिस्टम और स्टैंडर्ड यूज्ड ऑफ इन नॉर्थ अमेरिका। देखो ये जो सिस्टम है NTSC, नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किया जाता है, जो मैं बोलूँ वो सुनते आइए, एंड मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है, इसमें 30 फ्रेम होते हैं, मतलब 1 सेकेंड के अंदर आपको 30 फ्रेम दिखाए जाते हैं इस, और 1 फ्रेम में 525 लाइनें या स्कैन लाइनें होती हैं, मतलब कह सकते हो आपके जैसे ये लाइन लिखी हुई ना, इस तरह से 525 होती हैं 1 फ्रेम में लाइनें, जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, बनते हैं। और ये हमारा नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टेलीविज़न कमेटी सिस्टम, बाकी आप डिटेल से देख लेना। ये कलर टेलीविज़न के लिए यूज़ किया जाता था 1941 1941 में ये आया था इसका कॉन्सेप्ट, और 1953 में इसको मान्यता मिल गई थी, जिससे ये कलर टेलीविज़न में यूज़ होने लगा। वैसे ही हमारा PAL सिस्टम का फेज अल्टरनेटिंग लाइंस कहलाता है, टेलीविजन्स के लिए इसका यूज़ करते हैं,
25 फ्रेम एक सेकंड में दिखाता है ये। इसमें 625 लाइन होती है एक फ्रेम के अंदर। इसमें क्या था हमारा 525 थी, इसमें 625 लाइन होती है एक फ्रेम के अंदर, और ये हमें एक सेकंड में दिखाया जाता है। कई रेजोल्यूशन या कई हमारा साइज़ होता है ना, जैसे टीवी वगैरह में रेजोल्यूशंस, तो उस बेस पे होते हैं अलग अलग। अब हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल मीन्स होता है कुछ भी नहीं है जैसे रियलिटी मीन्स, लेकिन सब कुछ रियल लगे, वो वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। वर्चुअल रियलिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है कि जो बहुत ज़्यादा दिमागदार चीज़ें हों, जैसे रोबोट आजकल जो बनाए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ही कहलाती है, जिसपे रोबोट हमारे बनाए जा रहे हैं जो खुद में ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, बहुत सारी चीज़ें कर सकें जो ह्यूमन नहीं कर पाता। वर्चुअल रियलिटी मैंने आपको बताया था, वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर सिस्टम में जिसका रियलिटी मैंने आपको बताया था वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर सिस्टम में जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने, मतलब कोई काल्पनिक चीज़ बनाना है, 2D 3D ऑब्जेक्ट्स हमें देखना है, वो वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत आता है। ये डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो कि ये वीडियो में एक लेडीज़ है जो सिर्फ एक स्टूल पर बैठी हुई है, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं इस स्लिप पर खिसक रही हूँ, तो जिससे वो डर रही है। तो ये क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी, मतलब कुछ रियल में तो कुछ भी नहीं है लेकिन उसको सब कुछ क्या है, रियल लग रहा है, ये वर्चुअल रियलिटी है। जैसे इसको ये देखिए चल रहा है इस पर, तो यहाँ पे इसको लग रहा खाई है, लेकिन वो एक सिंपल सा व्यक्ति है जो एक पटिए पे चल रहा है। तो ये हमारा वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑगमेंटेशन रियलिटी। ऑगमेंटेशन रियलिटी होता है कि इसमें हम एक हेड माउंटेड डिस्प्ले, मतलब सिर पर जैसे एक चश्मा लगाना कह सकते हो, जैसे हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज़ कर, उससे हमारे जो चारों तरफ है उसमें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ये व्यक्ति देख रहे हो, ये एक हेड माउंटेड डिस्प्ले लगाई हुई है, इससे वो जहाँ पे भी देखेगी वहाँ पे एक नया प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जो उसमें प्रोग्रामिंग किया गया हो, वो ऑगमेंटेशन रियलिटी कहलाता है। वर्चुअल रियलिटी ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को या हर एक चीज़ को चेंज कर देता है। इसमें क्या है कि हम जिस जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें एक नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जैसे आप लोग जब ये चश्मे वगैरह पहनते हो तो इस तरह से आपको 3D में ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ये इसमें हमारा क्या होता है कि इस तरह से हमें सब कुछ अलग ही दिखता है। अब केप क्या होता है, केप का फुल फॉर्म पहले सबसे पहले याद होना चाहिए। केप का फुल फॉर्म केव ऑटोमेटिक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है चारों तरफ, और जिसमें हम कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे डेटा ग्लव, ये हाथ में पहने हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लव्स हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिए होंगे लेकिन कंप्यूटर में लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है ना। और HUD हेड माउंटेड डिस्प्ले, मतलब होता है सिर पर पहनने वाली, हेड मीन्स होता है सिर, माउंटेड डिस्प्ले सिर पर पहनने वाली एक डिस्प्ले, और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेना। उसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के कैमरे लगे होते हैं केप में। आप जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्टर से कैमरे से व्यू बनाए जाते हैं। तो आप कैमरा जब आप हेड माउंटेड डिस्प्ले लगाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेना। बाकी एक बूम होता है जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बूम में ये इस तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, ये हमारा इसका बाइनोकुलर्स कहलाता है, इसे बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटल मॉनिटर, ठीक है। और इससे चारों तरफ हम जब देखते हैं तो हमारे पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति है इस तरह के, ये ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते हैं एक एरिया के अंतर्गत। तो ये आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इस पर ही वर्क कर रही है। और वर्चुअल रियलिटी में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।